नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर पर कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का किया निरीक्षण। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर पर सोनी और सौरभ से कुशल क्षेम पूछते हुए वैक्सीनेशन कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी न होने की ली जानकारी। कोरोना काल के चलते अपनी पत्नी और बेटी की मौत से दुखी शास्त्री गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे। उनकी वेदना सुनकर मुख्यमंत्री हुए भावुक। कहा, सरकार है आपके साथ। निजी अस्पताल संचालक के द्वारा बेटी के इलाज में हुई लापरवाही की दोबारा जांच के आश्वासन से छन्नू लाल हुए संतुष्ट। मंत्री ने ड्रोन के द्वारा गंगा नदी में निगरानी की व्यवस्था का किया शुभारंभ। इस दौरान मंत्री अनिल राजभर, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, रविन्द्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर अवधेश सिंह, सुरेंद्र नारायण सिंह, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित अन्य अधिकारियों जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इधर उधर ना थूके, अपने चेहरे को बेवजह हाथों से ना छुए, बुखार खांसी और सांस लेने में दिक्कत आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या कॉल करें 1-800-180-5145 पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। बिना मास्क के मुकुली बाजार, कोरोना घर में आए बाजार, इम्यूनिटी को बढ़ाए, एक ही दिन बिना खुले स्वच्छ मायों को और कोरोना को दूर रखाए। रोज में हल्दी लगाए, गोली में दर्द करे लोग और कोरोना से डरे लोग। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।